ये एक नंबर का लाइन जो है ना ये अंगूर का है, ग्रेप्स, उसका भी ग्राफ्टिंग किया है। ये जो लाइन में है ना ये गुलाबी पिंक चना है, और ये जो है वो जामुनी मक्का है, उसका जो कलर है वो जामुनी कलर का है, और ये ब्लैक काले कलर का चना है, और ये जो इधर जो चना दिख रहा है इसको हम काटेरी चना बोलते हैं, मतलब वो जैसा रफ रहता है लेकिन खाने में बहुत बड़ा है, वो देसी वैरायटी है। और ये जो मक्का देख रहे हैं ये भी सफ़ेद मक्का। ये आम की लाइन है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर और गोभी में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन हम पहली बार हमारे खेत में पूरे जैविक तरीके से ये सब्जी उगा रहे। तो ये लाइन में आप देख सकते हैं गोभी है, पत्ता गोभी है, या ये समर वाला ऑनियन है जिसको हम मराठी में या उन्हाड़ी कांदा बोलते हैं, तो ये कांदा है। आप देख सकते हैं इसमें राई का भी डाला है बीच बीच में, जो मधुमक्खी आती है यहाँ पे बहुत सी। ये फ्लावर है, ये सीताफल का लाइन है, और बीच बीच में पपीता भी लगा है, देसी पपीता भी लगाया है। ये अंजीर है, आप देख सकते हैं गाय के लिए चारा, ये घास बनाया है। वो दूसरे लाइन में चिक्कू है, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं इधर मराठी में घेवड़ा बोलते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप यहाँ मेथी की सब्जी, जामुन के भी पेड़, अभी उसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए। हाँ मंग आता है ना, माला 15 किलो लगते हैं मुझे 30 बॉक्स। नींबू के, नारियल के पेड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर हम इसको बोलते हैं आलू, नहीं चमकोरा, आलू चमकोरा, घुइया बोलते हैं, घुइया अरबी, करेला, गाजर है, मेथी सारे बिलर कितना बढ़िया है, देसी गाजर है। ये है राधा कृष्ण गुलवे जी का 56 भोग वाटिका, आधा एकड़ में फैला। इस वाटिका में हर तरह की फल फूल सब्जी एक परिवार के लिए हो जाए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या लगा यहाँ? यहाँ 5 स्क्वायर फीट में, मतलब 5 गुंठे में, या हमने अभी देसी गाना लगाया है 419 उसको बोलते हैं मराठी में, ये देसी में बहुत स्वादिष्ट होता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी इनका एक स्प्रे हो गया है ग्लूकोपा अमृत की, हर 5 दिन में स्प्रे चल रहे हैं, और ड्रिंकिंग के लिए भी अपना सजीव। कितने दिन का हो गया है खरबूजा? ये 1 महीने का हो गया है, आप आगे देखें ना, ये थोड़ा इधर है ना छाव की वजह से इतना थोड़ा उसका ग्रोथ नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें फल फूल बहुत लगे, और इस पर शेड रेस का भी एक्सपीरे लिया है मैंने, शेड रेस का फ्लावरिंग तो बहुत आ गई। हाँ कल कुछ मैं यहाँ नहीं था, कल कुछ लोग देखने आए थे तो उनका केमिकल के प्लॉट है, वो भी बोल रहे कि इतना बड़ा नहीं, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी माल भी निकला है। अरे बाप, कितनी साइज बड़ी होती है इसकी? ये 1.5 किलो तक जाता है, 1.5-2 किलो तक स्प्रे किया नहीं। हाँ आपने केवल जैव रसायन सडरस इन्हीं का स्प्रे चल रहा है, गोकरा पंडत का खट्टा मीठा जैव रसायन, बीच में थोड़ा हमारी इधर छा, देखो कितनी बढ़िया है अमरूद, देखिए आप। आज है 17 फरवरी 2020 और फरवरी में कटिंग का, मेरे ख्याल से आप पहले, हाँ 17 जनवरी आप कटिंग कब किए हैं? 25 जनवरी को कटिंग की है।
अच्छा, जनवरी में जो 24 तारीख को आमों से आई थी ना, उसके दूसरे दिन हमने कटिंग शुरुआत की थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे उसकी कटिंग हो गई है और यहाँ से शूट निकलना शुरू भी हो गए। देखो यहाँ से शूट निकलना शुरू हो गए। तो ये अभी सूट निकल जाएंगे तो फ्लावरिंग आपको तो फरवरी लास्ट में फ्लावरिंग मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। और उसका जो अमरूद के जो मार्च में, तो उसके जून जुलाई में आ जाएंगे। अच्छा हाँ। जून जुलाई में आपको हाँ, फल मिल जाएगा। हाँ, फल मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से कुछ लगे हुए जो फल है। हाँ, हाँ। वो गुच्छे में ही लगे हुए है। हाँ हाँ। फल कब लिया है आपने? इसका फल कब तोड़ा है? इसका जनवरी में उसका हार्वेस्टिंग हो गया है, जनवरी में। अच्छा हाँ। जात कौन से है ये? कि हमारे खेत में जो अमरूद लगते हैं, जो गुरुजी ने हमें जो 3G 4G कटिंग सिखाई है, उसका नतीजा है कि ये गुच्छे में अमरूद लगते हैं। और ये आपको किसी भी और बगीचे में दिखने को नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं आप गुच्छे में है। देखो ये जो दोनों टहनी में आपको दिख रहे गुच्छे में है डायरेक्ट, जैसे ग्रेप जैसे गुच्छा आ रहे। आप देख सकते बीच बीच में देसी पपीता है। अपने हाथ इतना पत्ता है, अपने हाथ इतना पत्ता है देख सकते हैं आप। और पत्तों की चिकनाई और पत्तों का गाढ़ापन हराई देख सकते हैं आप। हाथ इतना पत्ता है मेरे। यहाँ से सेकंड प्लॉट शुरू हो गया। यहाँ से सेकंड प्लॉट शुरू हो गया। सेकंड में यह अभी देखो यहाँ इसका हार्वेस्टिंग हो गया। अभी इसका हार्वेस्टिंग बाकी, आप देख सकते हैं इसमें फल लगे हुए। और इसका भी हार्वेस्टिंग अभी चालू है 15 दिन से। अच्छा आप देख सकते हैं फल कितने लगे हुए हैं यहाँ पे। कि पपीते में जो भी टहनियाँ निकली है, हर एक टहनी में देख सकते हैं आप पपीता निकला है। और ये पेड़ की पपीते की उम्र है अभी 4 साल हो गई है। 4 साल से लगातार उत्पादन दे रहा है। 4 साल से ये पौधा लगातार उत्पादन दे रहा है। ये खाली जैविक खेती में हो सकता है। आप देख सकते हैं अभी उसको गुच्छे में ही पपीता लगे हुए और ये 4 साल से लगातार मुझे फल दे रहे। हाँ नहीं तो 1.25 साल में पपीते का पौधे काट के फेंकना पड़ता है। जैसे ताइवान पिंक का जो वैरायटी आजकल आ रहा है मार्केट में, वो 1 साल के बाद हो तो उसका तो लाइफ खत्म ही हो जाता है। लेकिन ये 4 साल से दे रहा है, अभी उसका 5वां साल है। मतलब ये जो फल है 5वें साल का फल है। देख सकते हैं ऐसे 10-12 है। देखिए गुरु जी आप मधुमक्खी छेड़छाड़ ना करें। नहीं ये जैविक खेती में ही मधुमक्खी के छत्ते बनते हैं। फ्लावरिंग की कलर भी देखो कितनी डार्क है। डार्क है। गुरु जी इधर आइए। ये कितना बड़ा है? एक मीटर। ज़्यादा बोलो। गुरुजी कटिंग के वजह से पैरों से हाँ यहाँ लगे। हाँ ये 3G कटिंग का ही कमाल है। साइज भी ज़्यादा बढ़ा है। कितने खूबसूरत फूल आए। अच्छे लाल भक्क और पीले पक्क। ठंड कम हो जाएगा और कटिंग जो है इतनी करनी चाहिए। और मुझे लगता है इनको साल में 2 बार कटिंग करनी चाहिए, नहीं तो प्लांट इतने ही बढ़ जाएंगे ऐसे। आप साल में 2 बार कटिंग करो। हाँ क्योंकि देखो अभी कटिंग अगर 2 बार कर दोगे तो ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ आया है अतिरिक्त तो बढ़ गया है, ये सब फल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा क्योंकि आपके यहाँ हाँ जैविक खेती के कारण मिट्टी एक तो मक्खन हो गई है और न्यूट्रिशन पर्याप्त मिल रहा है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले बार हमने आके देखा था तो आप कटिंग किए थे, उसके बाद देखिए वो सूट वापस बहुत बढ़ गए हैं। अगर ये सूट अभी रुक जाए तो अभी फल आपको और मिलेंगे। करने वाले ना
हाँ तो उसको साल भर में दो कटिंग, साल भर में दो कटिंग हाँ करने वाले हैं। ठीक हाँ खाओ। ओके तो ऐसे अभी आपने देखा राधा किशन गुलवे, मंजू गुलवे जी का, छप्पन भोग वाटिका और अमरूद का बगीचा। ये जैविक खेती का ही परिणाम है कि मिट्टी इतनी अच्छी यहाँ की बन गई है और पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहा है। हम पपीते में चार चार पाँच पाँच साल से लगातार फल आ रहे हैं और अच्छे साइज के आधा किलो एक किलो तक के अमरूद इनको मिल रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जरा। रविंद्र देशमुख जी आए हुए हैं पंडरपुर से, आप बारामती से आए हुए हैं और ऐसा जो है देश भर के यहाँ किसान आते ही जा रहे हैं। अभी अमरूद महोत्सव आपने किया था, कब किया था ये? मैंने जनवरी में दिसंबर में 22 तारीख को मैंने अमरूद फेस्टिवल किया था। हाँ, अमरूद महोत्सव उसमें जो है कितने परिवार आए थे? बम्बई से या 10 परिवार आए थे। हाँ, और कुल मिला के 150 लोग मेरे खेत में एक दिन विजिट करके गए और हमने यहाँ पे उनको खेत में भरपेट अमरूद खिलाए। यहाँ अमरूद तोड़ो, खुद खाओ, खुद खाओ और लेके जाओ, लेके जाओ। और दूसरी बात, उनको हमने पूरा जैविक भोजन दिया। पीतल के बर्तनों में हमने उनको देसी बाजरे का रोटा, नागली की रोटी, ज्वार की रोटी और जो देसी खाना होता है वो हमने उनको याद दिया है, वो सब भी पीतल के बर्तन में और कांसे के बर्तन में दिया है। और सेंधा नमक डाल, सेंधा नमक के कच्ची गानी का तेल, गुरुजी के आशीर्वाद का गुल्ली का तेल भी, दिल गुल्ली का तेल भी इस्तेमाल किया है और अपना देसी गुड़ का उनको मैंने लापसी भी बनाया था मीठे में। ये सब हमने किया तो अभी बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है बम्बई से, बहुत सारे लोग साल भर में मिलने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते सिंधुदुर्ग जिले से कुछ लोग आए थे, पुणे से आए थे, बम्बई से आए थे, नासिक से आए थे। अभी लोग लगातार हफ्ते में दो तीन बार मेरे यहाँ विजिटर का आना जाना रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।